यीशु मसीह की जय। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक पति पत्नी थे जिसमें पति की मृत्यु हो जाती है, पत्नी बेचारी अकेली रह जाती है। वो अपने बेटे को बुलाकर कहती है, बेटा ये हीरे का हार ले, ये बहुत कीमती है, और इसको अपने चाचा के पास लेके जा जो हीरे का काम करता है, जो जौहरी है, और उसको बोलो कि यह हार वो बेच दे, फिर उससे जो पैसा आएगा उससे हम अपनी गुजर बसर कर लेंगे। बेटा हार लेके अपने चाचा के पास जाता है और चाचा उस हार को देख के कहता है, बहुत अच्छे बेटा, आजकल ज़रा हीरे की मार्केट डाउन है, मंदी है, तुम अभी ये हार ले जाके घर में रखो, जब अच्छी मार्केट होगी तब हम इसको बेच देंगे, लेकिन बहरहाल तुम अभी मेरी दुकान में आओ और काम करो, काम सीखो, मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा और तुम्हारा गुजर बसर हो जाएगा। तो एक साल हो जाता है, बेटा काम सीख जाता है, वो खुद जौहरी बन जाता है, और एक साल के बाद उसका चाचा कहता है, बेटा घर से जाके वो हार लेके आओ तो हम उसे बेच देंगे, मार्केट अब अच्छी है। तो बेटा घर में जाके माँ से जब हार मांगता है तो वो हार देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो हार नकली था। जी हाँ, वो हार क्या था? नकली था। और वो भागा भागा अपने चाचा के पास जाता है, कहता है, चाचा चाचा वो हार तो नकली है, आपने एक साल पहले क्यों बोला कि ये हार असली है? उसने कहा, मेरे बेटे अगर मैं एक साल पहले उस मुसीबत के समय में तुमसे कहता कि यह हार नकली है तो तुम कहते, देखा हमारे चाचा ने हमारा साथ छोड़ दिया, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं रहता, लेकिन मैं चाहता था कि तू खुद सीखे और जाने कि हीरे की कीमत क्या होती है और तू परख पारखी बन जाए और खुद परख सके। जी हाँ, वो बेटा हैरान हो गया। आज हम भी अपने विश्वास को बहुत बड़ा समझते हैं, अपनी मोहब्बत को बहुत बड़ा समझते हैं, अपनी ज़िंदगी को एकदम परफेक्ट समझते हैं, हमें लगता है जो हम कर रहे हैं एकदम खरा है, लेकिन जब ज़िंदगी हमें सिखाती है, जब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब हम उसके कलाम में जाते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं और जब हम मैच्योर हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो हम आज से 2 साल पहले कर रहे थे वो गलत था और वो सही नहीं था। मित्रों, हमें खुदा के कलाम के पास जाना है। बाइबल में लिखा है कि उसका वचन जो है वो जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से बहुत अधिक तेज़ है, और वो रूह और जान को अलग करके सब चीज़ों को भेद के हमें दिखा देता है। आज आप भी परमेश्वर के वचन के पास जाएं, आप खुदा के कलाम से सीखें, तब आपको पता चलेगा कि जिन चीज़ों को आज हम जिनका दम भरते हैं और हम बहुत बोस्ट करते हैं, क्या पता वो चीज़ें नकली हों, खोखली हों, और खुदा का कलाम हमें असलियत दिखाएगा। उसकी उपस्थिति में हमको सब समझ आता है, दोधारी तलवार सब कुछ छेद के, आर पार छेद के हमें साफ साफ दिखा देती है। उसका कलाम आईना है, उसका कलाम आग है। तो यीशु मसीह की जय। सॉल्यूशंस क्या है? खुदा के कलाम में जाएं और असलियत जानें, ज़िंदगी बदल जाएगी। गॉड ब्लेस यू।